मेरे दादा ने बनवाई है, आज मैं अपने दादा की बनवाई हुई जामे मस्जिद के मेन गेट के सामने खड़े होकर ऐ लोगों मैं तुमसे अपना पेट भरने के लिए भीख मांग रहा हूं। किसी शायर ने कहा है, ना हो मगरूर दौलत के नशे में, ऐ मेरे भाई, ना हो मगरूर दौलत के नशे में, ऐ मेरे भाई, नहीं रहती किसी के पास दौलत आनी जानी है। बज़ाहिर तो ये दुनिया खूबसूरत है, सुहानी है। नबी अकरम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हर तरह से हमारी और आपकी रहनुमाई फरमाई कि हमें और आपको दुनिया में कैसे रहना है, जिंदगी कैसे गुजारना है, अपने बच्चों की तरबियत किस अंदाज से करना है। नबी कायनात अलैहि सलातो सलाम ने हमें बतला दिया खाना किस तरह से खाना है। नबी करीम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसकी रहनुमाई फरमा दी। बुखारी शरीफ किताबुल तमा के अंदर हदीस मौजूद है, अमर बिन सलमा दस्तरखान पर बैठे हुए अपने उंगलियों को खाने के अंदर घुमा रहे हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने देखा, फरमाया ऐ अमर बिन सलमा, फरमाया या गुलाम सम्मिल्ला वकुल बियमीनिक वकुल मिम्मा यलीक, फरमाया ऐ गुलाम, ऐ बच्चे अल्लाह का नाम लेकर खाना खाओ, अल्लाह का नाम लेकर खाना खाओ और दाहिने हाथ से खाना खाओ और वो खाना जो तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब हो उस खाने को खाओ। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी हर तरह से रहनुमाई फरमाई मेरे भाइयों और दोस्तों कि दाहिने हाथ से खाना खाओ, बच्चों की तरबियत किस अंदाज से होनी चाहिए। आज मैं अपने बच्चों की तरबियत किस अंदाज से करती हैं, टेलीविजन चल रही है, शाहरुख खान ने एक लात मारा, उल्टा लात बच्चे ने अपनी माँ को मारा, माँ ने कहा देखा मेरा बच्चा बचपन से शाहरुख की नकल कर रहा है। सुभान अल्लाह, खुश हो गए लोग कि इसमें बड़ा अटिन है, आगे चलकर बहुत बड़ा बनेगा। हम भी जानते हैं क्या बनेगा, जब बनेगा तो आप भी देखिएगा, अल्लाह जाने अंदर वाद का टन बनेगा या कमर हिलाने वाला बीच का बनेगा। मेरे भाइयों दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे इस्लामी भाइयों और दोस्तों, तरबियत आज क्या है, बाप अपने बच्चे को गोद में लेते हैं, बोलते बेटा जरा नाना को गाली दे दे, अब वो छोटा सा बच्चा है तोतली जुबान है, जो बोलेगा अच्छा मालूम होगा, गाली भी दे दूध देगा तो दुआ मालूम होगी। अब वो बच्चा बाप के गोद से नाना को कहता है अरे बुढ़ा कहीं का, नाना भी खुश हो गया और जेब से 50 का नोट निकाला और कहा ले बेटा, कहा ले बेटा, तरबियत हो गई ना, रजिस्टर्ड हो गई ना, बुकिंग हो गई। अब ये बच्चा जवान होता है और जवान होकर अपने बूढ़े काल अपने बूढ़े बाप के काल पर जब एक तमाचा मारता है तो बूढ़ा बाप मस्जिद के कोने में अकेला जाके रोता है, अल्लाह मेरी औलाद ना फरमान हो गई, अल्लाह मेरी औलाद ना फरमान हो गई। चुप जाहिल, तेरी औलाद ना फरमान हुई, किसने किया ना फरमान, किसने बिगाड़ा, तूने बिगाड़ा, तूने बिगाड़ा, तुमने अपने बच्चों को डिस्को करना सिखाया, तुमने अपने बच्चों को गाली देना सिखाया, तुमने अपने बच्चों को अमिताभ बच्चन के प्रोग्राम में भेज कर नचवाया और तुम खुश हो गए कि मेरा बच्चा नाचने लगा, मेरा बच्चा उछलने लगा, मेरा बच्चा डांस करने लगा, मेरा बच्चा पड़ोसन की बेटी के साथ भाग गया। अब आके रोते हो, ठोक करते हो कि मेरा बेटा नालायक हो गया, तुमने जिस तरह से तरबियत दी थी दोस्तों बुजुर्ग उसी तरह निकल रहा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कौन नहीं जानता है, आग बचपन में आग चली गई थी, बाप जो है अपने बेटे को जो है मुहद्दिस जो हदीस पढ़ाते थे उसके दरमियान लाकर बिठाते थे ताकि मेरा बच्चा नेक बने, मुहद्दिस बने।
और माँ का सबसे बड़ा हाथ था मेरे भाई दोस्तों। बस दो तीन मिनट में अपनी बातें खत्म करूंगा, इसलिए कि मेरा वक्त हो गया है। तो माँ जो है बहुत बड़ा किरदार अदा किया माँ ने, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नाबीना हो गए थे बचपन में। माँ ने अल्लाह ताला से दुआ की, ए अल्लाह मेरे बच्चे की बिनाई को वापिस लौटा दे। यही इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हैं कि अल्लाह ने माँ की दुआ को सुन लिया और आंख वापिस आ गई, और इन्होंने बुखारी शरीफ लिख दिया, जो कुरान के बाद सबसे अफजल किताब बुखारी शरीफ है। ये जान लीजिए कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस को पहले गुस्ल किया, वजू बनाया, इस्तखारा की नमाज पढ़ी, उसके बाद एक हदीस को लिखा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में 7563 हदीसें नकल फरमाई हैं, और किताबें कितनी 97 किताबें जिक्र की हैं। कहीं किताबुल वही है, कहीं किताबुल बद है, कहीं किताबुल इल्म है, कहीं किताबुल तहारा है। इस तरह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो है अपनी किताब में जिक्र किया है। मेरे भाई और दोस्तों, ये माँ थी जिन्होंने अपने बच्चे की सही तरबियत की, तो वो बच्चा क्या बना? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी हदीस की किताबें हर मदरसे में, हर स्कूल में पढ़ाई जाती है। दोस्तों बुजुर्गों, यही इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, किसी शायर ने कहा है, यही माए थी जिनकी गोद में इस्लाम पलता था, यही माए थी जिनकी गोद में इस्लाम पलता था, इन्हीं बुजुर्गों। जब माओं ने अच्छी तरह तरबियत दी, तो उनके बच्चे इमाम बुखारी बने, उनके बच्चे इमाम अहमद बिन हंबल बने, उनके बच्चे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बने, उनके बच्चे इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह बने, उनके बच्चे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बने। दोस्त बुजुर्गों, बस पर